नमस्कार साथियों मैं पवन स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल यूट्यूब एम डी क्लासेस के चैनल पर तो भैया सभी लोग जल्दी से आ जाइए हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं ग्यारह बज चुका है और इंतजार खत्म हो चुका है रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है जिसमें क्या है हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे और कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग चार टाइप के क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में हम उनकी बात करेंगे ठीक है भैया तो चलो सभी लोग आ जाओ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंजल मनीषा राजेंद्र वेनुस और क्या है आदित्य रवि धीरज सभी लोग का भैया स्वागत है सभी लोग आ जाओ बेहतरीन क्लास स्टार्ट होने जा रही है जहां हम लोग रीजनिंग की पर डे बात करते हैं और टाइप वाइज चैप्टर वाइज दोनों ही बात करते हैं तो गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है भैया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बहुत बढ़िया तो भैया स्टार्ट किया जाए बेहतरीन क्लास जो हर बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को चलिए बहुत बढ़िया आ जाओ भैया सभी लोग क्या दिया हुआ है भैया पहले थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं लगातार सुबह सुबह फुल एनर्जी के साथ फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं राहें चाहे राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो यूं ही अपना साहस बनाए रखना चाहे तुम हजार बार हारो चाहे तुम हजार बार हारो जीत की उम्मीद के दिए जलाए रखना भैया तो जब तक क्या है हार से फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमारी उम्मीद क्या होनी चाहिए बनी रहनी चाहिए दिए जलते रहने चाहिए ठीक है भैया तो जब मेहनत और दिए पेशेंस हमारे अंदर बना रहेगा तो ये क्या है ये दिया जलता रहेगा और हम एक दिन जरूर इसको पार करेंगे तो भैया हार जरूरी है लेकिन जीत क्या है निश्चित है ठीक है हो सकता है कि हार हो जाए लेकिन जीत क्या है निश्चित है बस हमें क्या है कंटिन्यूटी बनाए रखनी है अपनी तैयारी को हो चाहे जहां भी आप लगे हुए हैं वहां के लिए चलिए तो एक शानदार कोर्ट के साथ शुरू करते हैं अपने सेशन को यह बेहतरीन कोर्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोग में जोश लगा देगा और अपनी तैयारी के लिए थोड़ा सा और मजबूत कोशिश करेंगे तो चलिए भैया शुरू किया जाए कोडिंग डिकोडिंग का पहला टाइप शुरू किया जाए भैया पहला टाइप ठीक बात जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए ठीक वा क्लियर वा ठीक वाह क्लियर वा जल्दी से सभी लोग स्टार्ट किया जाए फिर भैया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को तो चलो भैया पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहला टाइप पहला क्वेश्चन ठीक बाहो चलो चलिए भैया ठीक अब शुरू कर दीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेहतरीन तरीके से जोरदार तरीके से इसको देखिए और आंसर क्या होगा जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे यहां कवर करते हैं हम लोग चलिए बहुत बढ़िया पहला क्वेश्चन है और शानदार जबरदस्त तरीके से उड़ाइए इसको क्या दिया हुआ है एक निश्चित कोट भाषा में पावर को क्या लिखा गया है यह लिखा गया है उसी तरह हेलो को क्या लिखा गया है यह लिखा गया है। जब दो क्या है जब दो वर्ड दिए होते हैं तो हमको बस दोनों में लॉजिक चेक करना पड़ता है यहां पे चेक करेंगे इन दोनों के बीच और हेलो और इनके कोड के बीच लेकिन जब सिंगल वर्ड दिया होता है तो हमको क्या लॉजिकल लॉजिक ढूंढना होता है लेकिन यहां क्या है आप जब दोनों में कोई भी लॉजिक हो दोनों वर्ड में फिट हो गया तो तीसरे में हम सीधे अप्लाई कर देते हैं अगर दोनों वर्ड में सेम लॉजिक है तो तीसरे में हम सीधे अप्लाई कर देते हैं बस भैया ठीक है तो आइए देखें क्या है और जब हमने क्या है आपको तीन तीन चीजें चेक करने के लिए बताई हैं, जिसमें पहला क्या है आप चेक करोगे क्या कॉमन ये ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन कॉमन हो गया अपोजिट हो गया अपोजिट लेटर और क्या चेक करते हैं हम लोग रिवर्स सॉरी हाँ, कॉमन है अपोजिट है और क्या पोजीशन चेक करते हैं क्या करते हैं पोजीशन पोजीशन चेक करते हैं क्लियर है तो इन तीनों को हम एक साथ चेक कर सकते हैं यहां पे पढ़ते समय ही तो आप चेक करोगे अगर ये लेटर और इसका कोड सेम है तो सिर्फ पोजीशन बदली गई होगी लेकिन पी और जब देखोगे पोजीशन नहीं लेटर सेम नहीं है तो पोजीशन नहीं बदली गई मतलब ये ये क्या हो गया फॉलो नहीं कर रहा लॉजिक सेकंड पे क्या अपोजिट देखिए अपोजिट देखोगे तो पी का अपोजिट क्या होता है भैया के होता है कहीं नहीं दिया अब डायरेक्ट अपोजिट देखो कहीं नहीं दिया है तो यह भी क्या हो गया अपोजिट भी नहीं है अब कॉमन चेक करना है कॉमन में क्या होता है भैया इसके लेटर और इसके लेटर इन दोनों को मिलाकर के जो नया वर्ड हमसे पूछा जाता है वो होता है लेकिन है क्या यहां पे वो भी नहीं है तो जब ये तीनों चीजें नहीं है तो हम क्या करेंगे प्लेस वैल्यू रखेंगे और लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे क्लियर तो प्लेस वैल्यू रखा जाए प्लेस वैल्यू अगर रखा जाए भैया तो आओ पावर लिखा हुआ है और कोड क्या है इसका आर आर ए जे एक्स ये दिया हुआ प्लेस वैल्यू रख के अगर हम चेक करें तो प्लेस वैल्यू क्या है यहां पे 16 है 15 है 23 है और ये क्या है 5 18 यहां भी 18, 18, 1 जे का 10 है और ये क्या है 24 अब प्लेस वैल्यू सभी के आंसर आ रहे हैं बढ़िया है भैया तो यहां पे क्या है अब इनके बीच नंबरों के बीच देखो लॉजिक क्या यूज हो रहा है नंबर्स के बीच जब आप लॉजिक देखने की कोशिश करोगे तो क्लियर दिखाई देगा फॉरवर्ड से चले तो सोलह से अठारह मतलब प्लस टू हो रहा है क्या हो रहा है? प्लस 2 हो रहा रहा है अब यही चीज हम यहां चेक करेंगे क्या है जो लॉजिक हमें मिला उसे हम सेकेंड वाले वर्ड में चेक करेंगे क्या यही सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है अगर सेम लॉजिक है तब तो ठीक है नहीं सेम लॉजिक है तो यहां पे लॉजिक चेंज करेंगे ठीक है क्वेश्चन गलत नहीं बता देंगे कि क्वेश्चन गलत है लॉजिक चेंज करेंगे अब यहां देखो प्लस थ्री करोगे एट प्लस थ्री क्या होगा इलेवन होगा सॉरी टू करोगे प्लस टू करोगे प्लस थ्री करोगे प्लस फोर और प्लस फाइव प्लस सिक्स ये करोगे तो एच और दो करोगे तो जे आएगा फिर क्या है ई e है प्लस थ्री करोगे एट आएगा ठीक है फिर एल प्लस फोर P सही है सिक्सटीन है बारह पांच सत्रह सही है उसी तरह पंद्रह छ इक्कीस सही है क्या है सेम लॉजिक है दोनों ही वर्ड में क्या सेम लॉजिक लग रहा है जब सेम लॉजिक लग रहा है तो भैया बस क्या करना है आपको यहां अप्लाई कर देना है यहां अप्लाई करने के लिए प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव और प्लस सिक्स अब आपको प्लेस वैल्यू सिर्फ एक बार लिखना है वो भी यहां पर बाकी जगह चेक कर लोगे इसी तरह रख करके बाकी जगह इसी तरह रख के चेक कर लेंगे अब यहां से आंसर दे दो एन प्लस टू फोर्टीन प्लस टू करोगे तो सिक्सटीन है सभी जगह दिया हुआ है ई प्लस थ्री करोगे तो पाँच तीन आठ होगा एच है सभी जगह एच भी है बाईस चार छब्बीस होगा जेड होगा यहां जेड है यहां जेड है डी में जेड नहीं है और ई e क्या है दस होगा मतलब जे होना चाहिए यहां जे नहीं है और दोनों जगह जे है आर क्या है अट्ठारह और छह चौबीस होगा यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा हमारा क्लियर होगा भैया ऑप्शन ए क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा लाजवाब भैया समझ में आया सभी को क्लियर है ऑप्शन ए हमारा क्लियर आंसर है बहुत बढ़िया कुछ लोग ये डी भी आ रहे थे बीच में ठीक बा समझ में आया बेहतरीन तरीके से क्लियर है चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन बताइए सभी लोग क्या दिया हुआ है इसको कोड किया गया है ये और हैवी को कोड किया गया है ये ठीक है फिर से वही तीन चीजें चेक कर लीजिए लेटर सेम है क्या नहीं है अपोजिट अपोजिट भी नहीं है ई का वी होता है नहीं है अपोजिट भी नहीं है और फिर क्या चेक करेंगे कॉमन है क्या तो देखोगे कॉमन भी नहीं है ठीक है जब कॉमन नहीं है तो फिर से इनकी प्लेस वैल्यू रख के चेक करें प्लेस वैल्यू रख के जब चेक करोगे तो क्या है आसान हो जाता है आपके लिए लॉजिक ढूंढना क्या हो जाता है लॉजिक ढूंढना आसान हो जाता है भैया तो थर्टीन है यहां पे फाइव एटीन सेवन फाइव फोर्टीन एट फोर्टीन है एट ट्वेंटी थ्री 14 और ये 14 हो गया लॉजिक चेक करोगे तो 18 से ओ सॉरी 13 से 14 हो रहा है 5 से 8 मतलब यहां क्या था प्लस 1 है प्लस 3 है 5 हो रहा है प्लस 5 है मतलब क्या लग रहा है ऑड नंबर चल रहे हैं क्या ऑड नंबर की सीरीज ऐड हो रही है क्या क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा क्लियर चलो तो अब बाकी में भी चेक कर लेते हैं बाकी में जब चेक करोगे क्या है प्लस वन है प्लस थ्री है यहां पे प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन और प्लस नाइन है ठीक है यही है तो ऐड करोगे एच व आई करोगे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा ई प्लस थ्री करोगे तो एच हो गया ठीक है एक और पांच छ हो गया बाईस और सात बाईस और सात उनतीस मतलब क्या हो जाएगा छब्बीस के बाद तीसरा हो जाएगा उसी तरह वाई और नौ ऐड करोगे तो एच आ जाएगा है, सेम है लॉजिक जब सेम है तो यहां भी ऐड कर दो प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन और प्लस नाइन यहां भी ऐड कर दोगे तो देखते हैं M और ए करोगे तो क्या होगा एन होगा भैया ऑप्शन ए और सी तो क्या होगा गलत हो ऑप्शन को साथ में लेकर चलना भैया ठीक है ऑप्शन को साथ में लेके चलना है दोनों चीजें अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास जब दो बचे तो और चेक कर लेते हैं ओ पंद्रह तीन अठारह हो जाएगा मतलब क्या हो गया आर हो जाएगा एल नहीं ऑप्शन डी क्या हो गया क्लियर है ऑप्शन डी क्या है क्लियर है तो क्लियर है भैया समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए और ध्यान से करिएगा सभी लोग बहुत बढ़िया लाजवाब तो भैया सेशन पसंद आ रहा हो तो सभी लोग जोरदार तरीके से, से शेयर कर दो और लाइक कर दो फटाक से भैया सभी लोग कर दो और फिर क्वेश्चन का आंसर देते रहो क्या दिया हुआ है एक निश्चित कूट भाषा में इसका यह लिखा है और इसका यह लिखा गया है तो बाकी क्या होगा देखें यहां पे एस पी सुपीरियर लिखा है, क्या है इसका एस एन एच एस डी क्यू और टी लिखा हुआ जब हमने क्या देखा ना तो लेटर सेम है और ना ही पे यहाँ पे जो पूछे गए हैं ये भी लेटर सेम है कॉमन भी नहीं है और अपोजिट भी नहीं है तीनों चीजें नहीं है आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये चीजें चेक करनी है ठीक जब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते चेक कर लोगे उसके बाद क्या सीधे पहुंच गए प्लेस वैल्यू पे ठीक है भैया क्या करोगे प्लेस वैल्यू लिखोगे और प्लेस वैल्यू लिखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें करना क्या है हमें ठीक है ये हो गया प्लेस वैल्यू अब देखोगे 19 और 19 है यहां तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है इक्कीस से 14 है मतलब सात है आठ नौ नहीं यहां सीधे सीधे फॉरवर्ड नहीं बन रहा है अब क्रॉस चेक करो तो 19 से 20 प्लस वन हो रहा है क्रॉस पैटर्न बन रहा है भैया यहां से यहां की तरफ ठीक है इधर से इधर ये बनेगा क्या है प्लस वन फिर क्या है यू यू से माइनस वन हो रहा है क्या हो रहा है माइनस वन हो रहा है इधर से इधर हो रहा है फिर क्या है पी से देखोगे तो प्लस वन हो रहा है और फिर ई से देखोगे तो माइनस वन हो रहा है फिर आर से एस प्लस वन हो रहा है और फिर आई से एच है क्या हो रहा है माइनस वन हो रहा है फिर पंद्रह और माइनस वन दो जगह माइनस वन आ गया यहां से एन के लिए और आर से एस चेक करोगे तो क्या है प्लस वन दिया हुआ क्या दिया भैया पहले तो लगा अल्टरनेट है ऑप्शन डी आंसर आ रहा है चलो देखते हैं पहले तो लगा क्या है सब में अल्टरनेट चल रहा है प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन लेकिन यहां पे दो बार क्या गया? आ गया लगातार माइनस आ गया भैया ठीक है जब माइनस आ गया है तो आओ पहले इस वाले लेटर को भी चेक कर लेते हैं स्टनिंग में भी क्या लिखा हुआ है स्ट्रिंग में क्या दिया हुआ है एस से देखोगे तो क्या है रिवर्स ऑर्डर में है तो एस माइनस एस प्लस वन होगा प्लस वन मतलब टी है ठीक है फिर टी से चेक किए तो माइनस वन होना चाहिए था लेकिन टी यू प्लस वन है यहां क्या है प्लस वन है यहां भी प्लस वन है और यू से क्या है टी है यू से टी माइनस वन है फिर क्या है एन से ओ प्लस वन प्लस वन और फिर क्या है आई से माइनस वन है और फिर एन से प्लस वन है और जी से प्लस वन है तो आप देख रहे हो दोनों जगह पैटर्न सेम नहीं है क्या भैया दोनों जगह पैटर्न जब सेम नहीं है तब क्या देखोगे जब दोनों जगह पैटर्न सेम नहीं दिया हुआ है तो आप अब इन लेटर्स में ये तो सही है कि लॉजिक बन रहा है प्लस वन और माइनस वन का लेकिन क्या ऐसे कौन से लेटर है जहां प्लस वन किया जा रहा है और कहां पे माइनस वन किया जा रहा है ये चेक कर लो अब क्योंकि दोनों जगह लॉजिक सेम नहीं बन रहा भैया जब सेम नहीं बन रहा तो हम देख रहे हैं कि जितने भी वॉवल हैं क्या है वॉवेल हैं उनमें क्या किया जा रहा है माइनस वन किया जा रहा है और जितने भी कॉन्सोनेंट है। हैं व्यंजन हैं उसमें क्या प्लस वन कर रहे हैं क्लियर भैया जितने भी वॉवल दिए हैं उसमें माइनस वन कर रहे हैं और जितने भी कॉन्सोनेंट दिए हैं वहां प्लस वन कर रहे हैं तो यही चीज हम अपने स्ट्रेटजी में भी अपना देंगे और आंसर ला देंगे ठीक है क्रॉस के साथ चल रहा है तो क्रॉस के साथ एस पे क्या करोगे प्लस वन करोगे इधर से करते हैं उल्टा से इधर आते हैं तो वाई प्लस वन करोगे जेड से आएगा आंसर जेड से आएगा मतलब ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता ऑप्शन सी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता अब क्या है फिर जेड आ गया जी है जी में भी क्या करेंगे प्लस वन करेंगे तो H आ जाएगा H यहां भी है H यहां भी है E में क्या करेंगे माइनस ई e क्या है वॉवेल है भैया और वॉवेल में माइनस वन करोगे तो डी आएगा डी आएगा तो यहां ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता क्या है ऑप्शन बी भी क्या हो गया गलत हो गया अब बचे ए और डी फिर टी से प्लस वन करोगे तो टी यू आएगा डी यू दिया है यहां भी यू दिया है फिर ए से माइनस जाओगे तो ए नहीं आएगा जेड आएगा मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया समझ में आया भैया क्लियर है सभी को तो वोवेल और कॉन्सोनेंट का भी ध्यान रखना है भैया ठीक है वोवेल और कॉन्सोनेंट का भी ध्यान रखना है लेकिन लॉजिक जब क्या हो गया अलग अलग हो गया इसीलिए दो वर्ड दिए हुए हैं दोनों में हमें लॉजिक चेक करना होता है भैया क्लियर दो वर्ड दिए होते हैं और दोनों में ही हमें लॉजिक चेक करना होता है चलो अब एक बार फिर से देखो क्या दिया हुआ है फिर से देखिए सभी लोग यहां क्या है सुपीरियर दिया हुआ है सुपीरियर पे हमने प्लेस वैल्यू रखी कोड की भी प्लेस वैल्यू रखी ठीक है सारे बैच भैया बता देंगे आपको लास्ट में एक मिनट टाइम दीजिएगा सब बैच कैसे परचेज करना है क्या करना है कौन सा कोड लगेगा सब पता चल जाएगा आपको ठीक है अभी थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं तो क्या दिया हुआ है यहां पे हम लोग कोड रखेंगे इसका भी और इसका भी दोनों में देखेंगे लॉजिक कौन सा है तो हमने देखा यहां पे क्या गया दो बार लगातार माइनस वन आ गया दो बार माइनस वन आ गया तो हमें शक हुआ कि एक बार इसको भी चेक करते हैं क्या सेम लॉजिक है दोनों जगह जब चेक करोगे तो यहां भी लॉजिक क्या हुआ भैया बदल गया प्लस वन प्लस वन दो बार दिया है माइनस वन ऐसे करके दिया हुआ है फिर हमने चेक किया कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्यों मतलब क्या वोवेल और कॉन्सोनेंट में देखोगे तो क्या है अंतर है वोवेल में क्या कर रहे हैं माइनस वन कर रहे हैं और कॉन्सोनेंट में प्लस वन कर रहे हैं तो ये चीज हमने जब देख ली यहां पे अप्लाई कर दिया और अपना भैया आंसर बता दिया ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया क्या हो गया ऑप्शन डी ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया क्लियर है सभी को ठीक बा भैया ठीक बा भैया ठीक बा, बा ठीक बा ठीक बा बहुत बढ़िया जल्दी से बताइए भैया ठीक बात क्लियर है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है ठीक बा अगला क्वेश्चन देखो भैया ठीक है ठीक ठीक है गुरुजी। हाँ जी भैया आ, आ जाओ इस वाले क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर फोर को क्या दिया हुआ है यहां पे सभी लोग जल्दी से भैया देखो क्या दिया हुआ है एक कूट भाषा में ब्रेन को क्या लिखा गया है ये और फिर कोच को ये लिखा गया है एंट्री को पूछा गया है ठीक है क्लियर अब इन दोनों में क्या करना है हम पहले वही चीजें चेक करते हैं क्या अगर लेटर्स सेम है तो पोजीशन होगा लेटर्स क्या है सेम नहीं है अपोजिट है क्या तो वाई का अब बी का अपोजिट वाई है आर का आई जेड आर और एम बिल्कुल अपोजिट दिए हुए हैं क्या लेटर इनके जब अपोजिट दिए हुए हैं यहां भी चेक कर लो सी का अपोजिट एक्स ओ का एल ए का जेड सी का एक्स और एच का एस बिल्कुल अपोजिट आप सभी को पता है अपोजिट आप सभी को पता है जब अपोजिट का कॉन्सेप्ट है यहां भी अपोजिट लगा दो तो ई e का वी होता है मतलब दो ऑप्शन ये गलत हो गए एन का एम होता है और यह भी गलत हो गया बचा क्या डी ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी क्या हो गया करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चले अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ अगला है अगला क्वेश्चन देखो भैया सभी लोग ध्यान से देखिए सभी और आंसर दीजिए पे फिर से वही चीजें चेक करनी आपको तीनों चीजें वही चेक करनी है क्या दिया हुआ है कि यहां पे अगर लेटर्स सेम है लेटर्स अगर सेम है तो क्या है सिर्फ पोजिशन बदली गई है और जब पोजिशन बदली गई होगी तो फिर हम बाकी का भी चेक कर लेंगे तो एच ए अच्छा कैसे चेंज की गई है पोजीशन ऐसे ऐसे और ये तीन तीन के पोजीशन में क्या बदला गया है भैया यहां देखो सिर्फ पोजीशन चेंज की गई है और बहुत आसानी से बदल दी गई पोजीशन यही किया गया है क्या हुआ आर ए एच और यहाँ पे डी ई और के सेम है तो यहाँ पे भी यही कर देंगे यहाँ पे क्या कर दोगे एम आई एन हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया एम आई एन और ई एल बी एम आई एन एम आई एन तो दिया हुआ है ये नहीं होंगे एम आई एन दिया हुआ है ई एल बी ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए बहुत बढ़िया सभी के देखो ऑप्शन ए आ भी रहे बहुत बढ़िया लाजवाब जबरदस्त ठीक बा चल, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन चेक करो भैया अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए आसान सा क्वेश्चन है सभी लोग देख के बताओ भैया हां सभी लोग बताइए पोजीशन चेंज बिल्कुल भैया पिछले वाले क्वेश्चन में पोजीशन चेंज करना था बहुत बढ़िया चलो देखो क्या दिया है बॉय लिखा हुआ है और उसका कोड ये है कोड क्या है जब कोड लेटर से ज्यादा हो तीन है यहां पे कितने हैं छह दिए हैं डबल दिए हुए हैं तो एक के एक लेटर के लिए दो कोड किए गए होंगे दो किए होंगे तो दो कैसे तो देखोगे बी दिया हुआ है बी का क्या लिखा होगा अगर फॉरवर्ड से देखें तो ए और सी लिखा है क्या लिखा है ए सी एन पी एक्स जेड लिखा हुआ ठीक आप देखोगे तो आपको अभी मुझे लगता है क्लियर दिखाई देगा होगा क्या दिखाई दे रहा है एक माइनस किया और एक क्या कर रहे हैं प्लस वन कर रहे हैं फिर एक माइनस और एक प्लस यही हो रहा है भैया माइनस वन प्लस वन तो यहां भी चेक कर लेते हैं टी से क्या है माइनस वन एस प्लस वन यू ओ से माइनस वन एन और प्लस वन पी है एक्स और जेड ठीक है सेम लॉजिक है तो यहां भी अप्लाई कर दो थर्ड वाले लेटर में थर्ड वाले वर्ड में तो जॉय में भी यही अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा नौ और ग्यारह तो ये तो नहीं आएगा नौ और ग्यारह ठीक है फिर क्या दिया हुआ है ओ ओ दिया है o में तो एन पी आएगा एक्स जेड नहीं तो क्या हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया लाजवाब क्लियर है भैया ये सारी चीजें भैया आप आसानी से चेक करते हुए बना सकते हो आप जब करोगे तो आप और आसानी से कर पाओगे क्योंकि यहां पे हमको आपको बताना पड़ता है तो ज्यादा टाइम लगता है थोड़ा सा ठीक है ऑप्शन बी ऑप्शन सही है भैया डी नहीं ठीक है क्या ऑप्शन बी सही है डी नहीं अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेवन दिया हुआ है ध्यान से करिएगा सभी लोग चलो क्वेश्चन नंबर सेवन देखते भैया किसका किसका सही आंसर आता है और किसका पहले आता है चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर देखते हैं किसका पहले आता है अशोक पुनिया डी ऑप्शन आया भैया इनका सुचित्रा का ए आ रहा है मोहित मीना ए तीन चार लोग का आया है बाकी लोग भैया जल्दी बताइए सभी लोग ए ऑप्शन सी आ रहा है ए सी और डी बी भी बचाए कोई लोग बता दो भैया ए ऑप्शन चलिए आइए चेक करते हैं आइए चेक करते हैं क्या दिया हुआ है स्पेस दिया हुआ है लेटर सेम नहीं है अपोजिट भी नहीं है तो अपोजिट और लेटर सेम नहीं है और यहां के जो देखोगे लेटर वो भी क्या है सेम नहीं है जब सेम नहीं है तो फिर क्या करो प्लेस वैल्यू लिख दो बस क्या कर दो भैया और ये जितनी जल्दी आप लिख पाओगे उतनी जल्दी आराम से क्वेश्चन कर सकते हो आप बिना प्लेस वैल्यू याद किए क्वेश्चन आसानी से तो नहीं कर पाएंगे आप और कोडिंग रिकोडिंग का क्वेश्चन कोई भी कर सकता है भैया बस क्या है टाइम लिमिट में करना है हमको तो अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद है आपको तो सभी लोग याद कर लीजिए और क्या है प्रैक्टिस करिए आके क्लियर चलिए तो यहां पे क्या प्लेस वैल्यू रखोगे 19 है 16 1 3 5 17 14 4 वन और 8 दिया हुआ है ठीक है अब इनके बीच देखो क्या लॉजिक लग रहा है लॉजिक देखोगे तो क्या है भैया यहां पे क्या हो रहा है माइनस टू हो रहा है सत्रह उन्नीस से सत्रह हो रहा है सोलह से चौदह माइनस टू प्लस थ्री और तीन से एक हो रहा है माइनस टू और ये क्या हो रहा है प्लस थ्री हो रहा है तो भैया फिर से एक बार देखो दो साइन दो नंबर दिए हुए हैं और अल्टरनेट भी नहीं है दो साइन दो नंबर हैं लेकिन अल्टरनेट नहीं है तो क्या हो जाएगा फिर से कहीं कॉन्सोनेंट और वोवेल में चेंज तो नहीं किया गया है तो भैया ये भी चेक कर लेना सभी लोग तो यहां देखोगे तो ए में प्लस थ्री मतलब वोवेल में प्लस थ्री किया गया है और कॉन्सोनेंट में क्या है भैया माइनस टू किया गया क्या यही किया गया है यहां चेक कर लेते हैं यहां पे जब चेक करोगे तो सी प्लस थ्री होना चाहिए क्या है थ्री माइनस टू होना चाहिए माइनस टू माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू और माइनस टू चलेगा तो सी माइनस टू ए आर माइनस टू पी सही है ए प्लस थ्री डी है फिर डी है और आर है माइनस टू बिल्कुल बढ़िया है तो यहां पे भी यही करेंगे ये यह लॉजिक क्या है सही है भैया वॉवल में प्लस थ्री कर रहे हैं और कॉन्सोनेंट में माइनस टू जब ये हो रहा है तो बढ़िया है बढ़िया है अब यहां पे भी अप्लाई कर दो तो एस में क्या होगा और फिर प्लस थ्री माइनस टू यही हो तो एस माइनस टू नाइनटीन माइनस टू क्या सेवनटीन होगा क्यू दिया है सभी जगह पी सिक्सटीन है माइनस टू करोगे तो फोर्टीन होगा तो ऑप्शन बी और डी क्या हो गया गलत होगा बी और डी तो गलत हो गए फिर ई प्लस थ्री और क्या हो जाएगा ई प्लस थ्री करोगे तो भैया क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा और ऑप्शन ए भी गलत हो गया बचा क्या ऑप्शन सी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा तो क्लियर है भैया मजा आया क्वेश्चन देख करके बढ़िया क्वेश्चन है कैसा लगा क्वेश्चन सभी लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी से बताइए क्वेश्चन कैसा लगा भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन बहुत बढ़िया जी भैया बिल्कुल बहुत बढ़िया है क्योंकि अब नए टाइप में क्वेश्चन जब पूछ लिए जाते हैं आपसे तो वोवेल और कॉन्सोनेंट में चेंज कर दिया जाता है ठीक है बढ़िया है। लाजवाब है ठीक बा, बा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन चेक करिए भैया और आंसर बताइए सभी लोग भैया देखो यहां पे वॉवल जितने भी लेटर हैं उनमें प्लस थ्री किया गया है और कॉन्सोनेंट जो लेटर है उनमें माइनस टू किया गया है बस यही लॉजिक है और जो कोडिंग डिकोडिंग का है क्वेश्चन क्रैक करने के लिए बस छोटा सा लॉजिक होता है अगर वो पता चल गया तो सारी चीजें क्लियर है ठीक है तो यही लॉजिक है भैया इसमें अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला जल्दी से बताइए यहां बताइए मंथ दिया हुआ है और फिर से हम एक चीज चेक करेंगे वही तीन चीजें पोजीशन क्या है लेटर सेम है पोजीशन बदली गई लेकिन एक लेटर की के वो क्या है लेटर चेंज है एक लेटर क्या है चेंज है यहां पे पी चेंज है और यहां पे देखोगे तो क्या चेंज है आर चेंज है। आर का टी हो गया अच्छा पढ़ाते हो सर जी सच्ची थैंक यू भैया किरण तो ये क्या है मंथ का दिया हुआ है सभी लेटर चेंज है पोजीशन चेंज की गई बस एक लेटर चेंज है एन का एन की जगह क्या गया पी मतलब प्लस टू कर दिया एन की जगह क्या कर दिया प्लस टू कर दिया और बाकी सिर्फ पोजीशन चेंज कर दी गई यहां पे भी यही है R +2 कर दिया टी हो गया और बाकी सब क्या है पोजिशन चेंज है तो यही चीज यहां पर अप्लाई करते जब दोनों में लॉजिक सेम हो गया दोनों वर्ड में जब लॉजिक सेम हो गया भैया तो यहां भी यही अप्लाई कर दो तो पी ए होगा पी ए आर नहीं होगा होगा ठीक है आर प्लस टू करोगे तो टी T आएगा टी T भी नहीं है यहां भी नहीं समझ में आ रहा है जबरदस्त तरीके से भैया क्वेश्चन मिल रहा है बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम से मैच करते हुए क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के जो एग्जाम में कई बार ऐसे दे दिया जाता है आसान सा क्वेश्चन ठीक भैया तो अब देखो यहां पे आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा कई क्वेश्चन है जहां आपको ना तो पेन उठाना पड़ेगा बस क्वेश्चन देखना है क्लियर है चलो भैया आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है ठीक बा क्लियर बा चलो बढ़िया है भैया ये बताइए किसी विशेष कोड में ये दिया इसका लिखा हुआ है कोड ये तो इसका क्या है कंप्यूटर का क्या करेंगे एलिगेटर का ये लिखा है तो कंप्यूटर का क्या होगा भैया सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भैया किंग ऑफ रीजनिंग पवन सर थैंक यू भैया चलिए आइए चेक करते हैं तो आप देख रहे हो क्या इसमें लॉजिक दिख रहा है भैया पहले हम तीन चीजें जब चेक करेंगे तो हमें पहले ही दिख गया कि लेटर्स क्या है सेम है लेटर्स क्या है भैया सेम है लेकिन एक चीज देखो इनमें क्या है लेटर्स को लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया भैया लेटर्स को लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है तो कई बार जब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए आपके एग्जाम में तो भैया ध्यान रखना कि ये भी लॉजिक हो सकता है क्या यह भी लॉजिक हो सकता है तो अब देखो जब इनकी पोजीशन चेंज की गई तो यह तो ठीक है लेकिन यह उठा करके यहां ले गए आई को उठा के यहां ले गए जी को उठा करके यहां ले गए तो इस तरह से आप कर पाओगे क्या यह यहां ले गए इस तरह से पोजीशन चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है भैया तब क्या करो आप? आपको करना है इनकी नंबरिंग कर दो ये ना करके आप इनकी क्या कर दो नंबरिंग कर दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये कर दो जब ये करोगे तो यहां पे आप देखो एल का क्या है टू है वन है और फिर आर क्या है एट है ये सेवन है फिर क्या है ये फोर और ये फाइव सॉरी फाइव नहीं है थ्री है थ्री है फिर क्या है सिक्स और फाइव है तो जब अब देखो क्या चेंज किया गया पोजिशन कैसे चेंज की है इनके नंबरिंग करके कर दो ठीक जब नंबरिंग करके कर, कर दोगे तो आपके लिए यहां भी आसान हो जाएगा इनकी भी नंबरिंग एक दो तीन चार पांच छ सात आठ कर दो भैया लिखा क्या है दो एक आठ सात चार तीन छ पांच क्या लिखा है दो एक तो दो एक देखो कहां है दो एक फिर क्या दिया है आठ सात मतलब आर और ई होना चाहिए तो ये तो नहीं होगा ए ऑप्शन नहीं होगा सी भी नहीं होगा डी भी नहीं होगा बचा क्या ऑप्शन बी तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा बेहतरीन आंसर सही आंसर हो जाएगा क्लियर है क्लियर है भैया समझ में आया जब पोजीशन का क्वेश्चन आए और ये ना समझ में आए कि कहां पे हमको कैसे चेंज करना है तो क्या करो नंबरिंग कर दो इनकी क्लियर बा क्लियर बा भैया आगे बढ़े क्लियर बा क्लियर है गुरु जी बहुत बढ़िया चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है ठीक बा भैया चलो बहुत बढ़िया ठीक बा तो ठीक बा है तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर टेन का क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से और भैया लाइक करते चलना शेयर करते चलना दोनों चीजें चलो यहां देखो क्या लिखा हुआ है इसका कोड क्या किया गया है ये किया गया है और लेटर्स क्या देख रहे हो सेम है लेटर्स क्या है भैया सेम है बस क्या है तीन तीन को उठा करके चेंज कर दिया हम भी तीन तीन को उठा के चेंज कर देते हैं तो ई आई डी हो जाएगा ई आई डी यहां है ऑप्शन सी गलत हो गया और बी भी गलत हो गया ई आई डी ई आई डी सही है फिर क्या हो जाएगा एल ई एस हो जाएगा एल ई एस यहां होगा ऑप्शन डी भी गलत है ऑप्शन ए क्या हो गया सही हो गया बहुत बढ़िया उसमें भी कई लोग भैया देखो डी दे रहे हैं आंसर अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन है अब तो गलत नहीं होना चाहिए इतना आसान क्वेश्चन है उसके बाद भी भैया ध्यान ध्यान भटका नहीं कि चूक हुई नहीं कि गलती हो गई ठीक है माइनस मार्किंग है भैया ध्यान रखना सभी लोग तो चूक नहीं करना है एक सेकंड ज्यादा टाइम ले लो लेकिन आंसर क्लियर बताओ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी चलो देखते हैं इसका आंसर कौन जल्दी बताता है चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए भैया जल्दी से सभी लोग जल्दी से भैया लिख देना इलेवन का ए देखते हैं कौन पहले बताता है इलेवन का बी या इलेवन का सी या इलेवन का डी जो भी आंसर हो आपका लिखो भैया सभी लोग ऑप्शन सी आंसर आ रहा भैया और बताइए सभी लोग डी भी आ रहा है सी डी सी डी दो आंसर आ रहे हैं आप लोगों के आइए चेक करते हैं इतना आसान क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है नोटबुक लिखा है इसका कोड यह दिया गया है और शर्ट लिखा है इसका कोड यह दिया गया है टॉन का पूछा है देखेंगे तो क्या है लेटर सेम नहीं है अपोजिट है क्या अपोजिट भी नहीं है अपोजिट भी नहीं है और तीन चीजों में हम क्या चेक करते हैं कॉमन तो यहां जो वर्ड दिया गया है इसके लेटर से क्या इन दोनों के वर्ड के लेटर से मिलकर बनाया गया है अगर मिलकर बनाया गया है तो कोड भी क्या होगा सेम होगा तो देखोगे टी ओ आर एन सभी लेटर क्या है अवेलेबल है तो भैया का कोड क्या होगा थर्ड लेटर पे है टी का कोड जी होगा तो जी तो सभी जगह दिया है ओ का चेक कर लो ओ का क्या होगा भैया ई होगा क्योंकि यहां भी ई है यहां यहां सभी जगह ई है तो ए और डी ऑप्शन तो हो गए गलत तो ए वाले जितने थे भैया सभी गलत हो गए हाँ भैया अभिषेक ठीक अब क्या है बाकी चीजें बी और सी को चेक करो बी और सी को चेक करोगे तो आर का देखिए आर का क्या है बी होगा आर लास्ट है सेकंड लास्ट है आर का कोड क्या होगा बी होगा और यहां पे चेक करो बी कहां है दोनों जगह भैया बी दिया हुआ है बहुत बढ़िया लास्ट का चेक कर लो एक और एन का क्या दिया है एन का आर दिया है ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया और बी क्या हो गया गलत हो गया हाँ सी विल बी द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया क्लियर है चलो आगे बढ़े आगे है भैया टाइप टू तो एक टाइप में हम लोगों ने बेहतरीन क्वेश्चन किए सभी को मजा आया क्लियर है क्वेश्चन बढ़िया थे कमेंट करके जल्दी से बताओ भैया जल्दी से सभी लोग करिए कि मजा आया यस सर जल्दी यस सर बहुत बढ़िया चलो आज आ जाओ भैया अब दिया हुआ है नंबर कोडिंग से भैया एग्जाम में जल्दी करोगे जब प्रैक्टिस करोगे तो और प्रैक्टिस हम जैसे बता रहे हैं आप उसी तरह से करेंगे तो एग्जाम में जल्दी कर पाएंगे जब आप चीजें सीख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यह तरीका बहुत बड़ा है लेकिन जब आप उस पर प्रैक्टिस करते हो ना भैया तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं ठीक है नागेंद्र कुमार मजा आ गया सर जी बहुत बढ़िया भैया हाँ चलो सभी का अब आंसर बताओ क्या है ए और सी को लिखा हुआ है वन थ्री ए और सी को वन थ्री लिखा है एफ जी को सिक्स सेवन लिखा है तो एच आई का पूछा है और ए सी प्लेस वैल्यू एग्जैक्ट लिखी हुई है क्या भैया अगर प्लेस वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है क्या है बिल्कुल दम नहीं है ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा एट नाइन एट नाइन एट नाइन बहुत बढ़िया देखो गजब मजा तो रोज आता है हाँ बहुत इजी है भैया इसी तरह आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो ये नहीं कि अब कोई लॉजिक दिया होगा देखो क्या है वन थ्री ए सी वन थ्री बस आगे बढ़ो अगला देखो अगला देखो भैया और यहां पे नंबर कोडिंग के जितने क्वेश्चन हैं, आपको नंबर्स को देख करके ध्यान से देखना कि नंबर कैसे ये लाया जा सकता है यहां सेवेंटी दिया हुआ है और वर्ड क्या लिखा है ये पॉलिस दिया है इसका ये लिखा है जब नंबर कैसे दिए हैं उसी हिसाब से हमको वहां पे लॉजिक फिट करना है बताइए इसको क्या होगा पेंट दिया हुआ है और सेवेंटी लिखा है तो क्या करें भैया जब इस तरह से दिया हुआ है तो इनके लेटर्स जो प्लेस वैल्यू है उसको ऐड करके चेक कर लो प्लेस वैल्यू क्या है जो प्लेस वैल्यू है उसको ऐड करके चेक कर लो तो यहां पे क्या है 16 है प्लस वन प्लस नाइन प्लस फोर्टीन प्लस ट्वेंटी दिया हुआ है अब सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा नौ एक दस और तीस और बीस साठ कितना आया भैया ये सत्तर दिया है कितना आया भैया साठ आया लेकिन यहाँ क्या है सत्तर है अगर दस ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा सत्तर आ जाएगा तो यही लॉजिक अगर यहाँ भी पॉलिश में भी फिट हो रहा है तो हमारा लॉजिक सही है अगर यही लॉजिक पॉलिश में भी फिट हो रहा है तो ये लॉजिक सही है वरना लॉजिक चेंज करेंगे अब पॉलिस में देखो क्या है सोलह प्लस पंद्रह प्लस बारह प्लस नौ और प्लस उन्नीस प्लस आठ इन सबको जब ऐड करोगे बारह आठ बीस हो गया ठीक है बीस और इकतीस ये इकतीस और ये चालीस चालीस और बीस साठ साठ और क्या है ये उन्नीस है 79 नाइन हो गया 79 नाइन वहां क्या दिया है एट्टी नाइन प्लस टेन कर दिया यहां भी आ गया एट्टी नाइन तो लॉजिक क्या है भैया दोनों जगह सेम है लॉजिक क्या है दोनों जगह जब लॉजिक सेम है तो अप्लाई कर दो क्लीन पे क्लीन पे क्या है फिर से वही प्लेस वैल्यू लिख दो तीन बारह पांच एक और क्या है चौदह बस भैया इनको जितनी जल्दी आप ऐड कर लोगे उतना आसान से क्वेश्चन बता, आंसर बता पाओगे तो क्या है बारह और चौदह अट्ठाईस छब्बीस होगा छब्बीस और चार पैंतीस आया भैया कितना आया ये पैंतीस पैंतीस प्लस दस कर दोगे तो क्या आ जाएगा पैतालीस फोर्टी फाइव हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा ऑप्शन बी फोर्टी फाइव हाँ भैया पैंतीस प्लस दस कर दोगे तो क्या जाएगा? 45 आ जाएगा फोर्टी फाइव हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी क्लियर है समझ में आया सभी को प्रदीप यादव लिख रहे हैं सर जी आपके पढ़ाने का तरीका ही सबसे अलग है मजा आ जाता है चलो भैया थैंक यू भैया चलिए तो भैया सबको क्लियर है ठीक बा बताइए जल्दी से सभी लोग ठीक बा बढ़ा जाए आगे राधे राधे भैया चलो ठीक बा अगला क्वेश्चन देखिए चलिए टेबल दिया हुआ है और इसका कोड लिखा हुआ है भैया अब जब कोड इतने बड़ा दिया हो जब कोड इतना बड़ा दिया हो तो क्या होगा प्लेस वैल्यू से ही रिलेट करके कुछ लिखा होगा ठीक है प्लेस वैल्यू से रिलेट करके कुछ लिखा होगा और यहां पे चेक करते हैं चलो चेक करोगे तो नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना और ध्यान से देखने का मतलब यह है इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखना प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखना भैया देखो कुछ लोग पैतीस बता रहे हैं अरे भैया है यार यहां पे दस एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है तीनों जगह ठीक है दस ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा ठीक है ठीक है चलो अब यहां पे देखिए टी का क्या होता है ट्वेंटी होता है लेकिन यहां क्या लिखा है सेवन तो मतलब अपोजिट लेटर क्या है अपोजिट प्लेस वैल्यू लिखी हुई है अपोजिट लिखी हुई है तो एक ही क्या होगी छब्बीस ठीक है बी क्या है पच्ची है एल क्या है पंद्रह और ई बाईस एग्जैक्ट अपोजिट प्लेस वैल्यू लिखी हुई है तो यही हम यहां भी लिख देते हैं यहां भी देखें तो एफ का क्या होगा इक्कीस है बिल्कुल सही है ओ का क्या होगा बारह होगा सही है आर नौ है ठीक है एम चौदह और एस आठ बिल्कुल ठीक है तो सी का क्या हो जाएगा भैया चौबीस हो जाएगा ऑप्शन सिर्फ एक हट रहा है डी फिर एच क्या है एट होता है नाइनटीन होगा तो ये भी हट गया दो बचे अब ए का क्या है ट्वेंटी सिक्स है वहां भी ट्वेंटी सिक्स आई का क्या होगा एटीन होगा यहां क्या दिया है नाइनटीन दिया है ऑप्शन बी भी गया बचा क्या सिर्फ ए बहुत बढ़िया बचा क्या सिर्फ ए ऑप्शन बहुत बढ़िया लाजवाब क्लियर है चलो आगे चलो आगे देखो भैया देखते चलो बस क्वेश्चन धना धन दन करते रहिए लाजवाब तरीके से और बेहतरीन पाते रहिए आंसर चलिए आ जाओ यहां भैया अब फिर से देखो क्या दिया हुआ है फिर से देखो क्या दिया हुआ है आसान सा क्वेश्चन है अब देखो फिर से यहां पेंट लिखा हुआ है और यहां स्कोर लिखा है यहां रिसेंट लिखा हुआ है ठीक है फिर से अगर कॉमन देखोगे तो इनके इन दोनों वर्ड के जो लेटर हैं अगर मिला के ये बना हुआ है तो क्या कोड सेम होंगे मिला के अगर बना है लेटर्स सेम है तो कोड क्या होगा सेम होगा तो आर का कोड देखो क्या होगा मुझे तो लग रहा है कि भैया लेटर्स क्या है सेम है आर का कोड चेक करो क्या है सिक्स होगा जब सिक्स होगा तो ऑप्शन कितने गलत होगा भैया ए और बी गलत हो गया ए और बी गलत, गलत हो गया आगे चेक करो ई e. E का क्या है वन ई e का वन है तो मतलब सी भी गलत ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर तो भैया ये है आसान से क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में सिर्फ लिखे क्या है तीन लाइन में लेकिन आंसर क्या है सिर्फ देखते ही बता दोगे आप ठीक बा क्लियर बा भैया चलो आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से आंसर बताइए बहुत मस्त थी चलो भैया बहुत बढ़िया ठीक है A का दिया हुआ है वन ए की वैल्यू क्या वन दी है एम की थर्टीन प्लेस वैल्यू दी हुई है एग्जैक्ट और उसी तरह R का 18 दिया हुआ है तो मिशन का क्या होगा भैया प्लेस वैल्यू ही दिया हुआ है प्लेस वैल्यू जहां मिल जाए वही आंसर मार दो तो बस एम का क्या होगा थर्टीन होगा तो ये हट गया ये हट गया ऑप्शन ए और बी तो हट गए आई होगा नाइन यहां भी नाइन है ठीक है फिर एस नाइनटीन नाइनटीन ठीक है यहां भी नाइनटीन नाइनटीन है यहां नाइन नाइनटीन और नाइनटीन ठीक है फिर नाइन दिया है नाइन ठीक है फिर क्या दिया हुआ है पंद्रह और चौदह दिया यहां तेरह दिया है यहां भैया ऑप्शन सी हो गया क्या हो गया ऑप्शन सी हो गया सिर्फ प्लेस वैल्यू दी हुई थी आसान सा बहुत बढ़िया जाओ भैया मजा आ रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दो एक बार और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा ठीक भैया मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग जितने लोग लाइव हो और जो कर चुके हैं वो नहीं भैया ठीक है चलिए आ जाओ भैया इस क्वेश्चन पे आ जाओ देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है जे की वैल्यू सेवनटीन दी है एन की वैल्यू थर्टीन दी है अब दोनों को जब देखें तो क्या दिया है अपोजिट प्लेस वैल्यू दिया हुआ है अपोजिट दिया है तो यहां पे भी अपोजिट लगा दो तो जी जे क्या है दस होता है सत्रह से होगा सत्रह दिया हुआ है बहुत सही चारों ऑप्शन दिए हुए हैं फिर यू का अपोजिट क्या होगा सिक्स होगा भैया तो सिक्स देखोगे कहीं नहीं दिया है ऑप्शन डी दिया है तो सिर्फ क्या हो गया एक ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया बहुत बढ़िया देखो आंसर आ भी रहे हैं बहुत बढ़िया लाजवाब आंसर आ भी रहे हैं बहुत जोरदार तरीके से बहुत बढ़िया चलो अगला क्वेश्चन देखो अगला अगला क्वेश्चन देखिए फिर से बेहतरीन तरीके से सभी लोग भैया चलिए इसका आंसर दीजिए क्या दिया हुआ है जूनियर लिखा है लेबर लिखा है और आंसर देना है हमको चलो भैया इस बार आदित्य चौहान धीरज हेमराज नाइन ए ऑप्शन सभी का राजू डी डी भी होगा क्या चेक करते हैं जूनियर दिया हुआ है और इसका कोड क्या लिखा है सिक्स लिखा हुआ है लेबर दिया है है इसका कोड लिखा हुआ है। तो भैया एट और सिक्स कैसे आ जाएगा या तो क्योंकि यहां कितने देखोगे तो दो चार दिया हुआ है दो चार छ आठ यहां दिया है मतलब सेम है दो चार छ आठ और एक नौ यहां हो गया ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया हाँ नंबर ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं नंबर ऑफ लेटर दिए हुए हैं चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से इसको भैया होमवर्क दे दें क्या चलो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन होमवर्क है आप सभी लोग आंसर जरूर किया करो भैया मैंने देखा कि कुछ दिन तो आंसर करते हैं एक दो लोग करते हैं लेकिन बाकी लोग आंसर नहीं करते हैं तो भैया जब क्लास ऑफ हो जाए करे तो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके उसका रख लिया करो और बाद में आंसर जरूर किया करो सभी लोग ठीक है इसका आंसर बताइए क्या होगा टेक का कोड किया गया है कैट का कोड किया गया है और केक का पूछा गया 20 का। है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का देखिए क्या होगा चल तो यहां देखोगे फिर से क्या लेटर सेम है लेटर सेम है अगर तो फिर कोड वही होगा तो सी के लिए क्या हो गया टू आ गया तू आ गया मतलब ऑप्शन सी आ गया सी आ गया तो ऑप्शन टू ऑप्शन सी आ गया करेक्ट आंसर बाकी हमको मैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी जगह चेंज दिया हुआ है चलो भैया आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से सभी लोग इसको देखेंगे तो क्या दिया हुआ है रेड को फोर्टी लिखा है चैट को थर्टी थ्री लिखा है रिटर्न को क्या लिखेंगे अब जब नंबर इस तरह आसान से दिए हों तो क्या करो भैया प्लेस वैल्यू रख के एड करके देख चेक कर लो प्लेस वैल्यू रखोगे तो क्या है क्या दिया है फोर्टी दिया हुआ है आर का क्या होता है एटीन प्लस वन प्लस ट्वेंटी दिया हुआ है तो ये क्या आया थर्टी नाइन आया क्या है भैया थर्टी नाइन आया प्लस वन कर दे अगर एक्स्ट्रा ऐड क्या हो जाएगा फोर्टी हो जाएगा बिल्कुल चैट में देखें तो थ्री प्लस एट प्लस वन प्लस ट्वेंटी दिया हुआ है तो यहां कितना हो गया बत्तीस हो गया इसको ऐड करोगे थर्टी टू हो गया प्लस वन यहां ऐड किए एक्स्ट्रा तो क्या आ गया भैया थर्टी थ्री आ गया क्या कर रहे हैं प्लस वन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो यहां पे भी यही कर देते हैं एटीन है प्लस फाइव प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी वन प्लस एटीन प्लस फोर्टीन सबको ऐड कर दो भैया सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा ऐड करोगे चार एटी सेवन आएगा क्या भैया एटी सेवन आएगा क्या नहीं नाइन्टी सिक्स आएगा क्या आएगा नाइन्टी सिक्स आएगा प्लस वन कर दिए क्या गया नाइन्टी सेवन क्या गया भैया नाइन्टी सेवन ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया लाजवाब बहुत बढ़िया हाँ नाइनटी सिक्स प्लस वन तो वन क्या है तीनों जगह एक्स्ट्रा ऐड किया गया है ठीक है भैया इसीलिए कह रहे थे भैया ये मैथ नहीं है ये रीजनिंग है यहां कुछ भी हो सकता है देखो अलग से क्या कर दिया प्लस वन ऐड कर दिया चलो आ जाओ अब आगे भैया टाइप थ्री पे टाइप फोर दिए हुए हैं और टाइप थ्री हम लोग पहुंच गए हैं टाइप थ्री बहुत ही आसान सा टाइप है आप देखते ही आंसर बताने लगोगे क्वेश्चन थोड़े से बड़े दिए होते हैं क्वेश्चन थोड़े से बड़े दिए होते हैं बस हमें क्या ढूंढना होता है कॉमन ढूंढना होता है भैया कॉमन कोडिंग है, है? हा क्या दिया हुआ है यू आर माई वर्ड का कोड लिखा है होम वर्ड लिखा हुआ है चाइनीज कोडिंग भैया सुनी होगी वही है ये ठीक है भैया टेक्निकल बैच शुरू हो अच्छा टेक्निकल पूछा है आपने चलिए बताते हैं आपको तुम्च रीजनिंग मस्त आहे सर थैंक यू भैया चेतन चलिए तो यहां पे दिया हुआ है कोड दिया है हमसे पूछा किसका है वर्ड का पूछा गया है जब वर्ड का पूछा है तो भैया वर्ड को सिर्फ कॉमन देखो कहां दिया है वर्ड को जब कॉमन देखोगे कहा दिया हुआ है तो देखोगे पहली लाइन में क्या है वर्ड दिया हुआ है और दूसरी लाइन में दिया है यहां दिया है और यहां दिया है दो जगह दिया है और कहीं दिया है क्या वर्ड और कहीं वर्ड नहीं दिया हुआ है जब नहीं दिया है तो दो जगह कोड होंगे वो भी समान होंगे लेकिन एक चीज और चेक कर लेना इन दोनों में कि और कोई भी वर्ड कॉमन है क्या और कोई भी वर्ड अगर कॉमन है तो उसको हटा देना यहां क्या माई कॉमन है तो माई का भैया क्या होगा माई और कहीं भी कॉमन है यहां कॉमन है तो एक कोड जो होगा वो दो बार कॉमन होगा और एक तीन बार होगा तीनों लाइन में तो यहां का कोड देखो काइपो छे लू यहां क्या है पो कई दो ही है यहां पे क्या है कई तो माई के लिए क्या हो गया कई हो गया यहां पे क्या पो हो गया वर्ड के लिए पी ओ ऑप्शन बी हो गया क्या हो गया भैया ऑप्शन बी पीओ बहुत बढ़िया देखो लाजवाब सिर्फ कॉमन ढूंढना है और माई के लिए क्या भैया हो गया माई के लिए कई हो जाएगा ठीक चलो आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है

मैट मग बिट लिखा हुआ है तो बिट क्या है कॉमन है बिट क्या हो गया भैया यहां भी कॉमन है यहां भी कॉमन है तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए हो गया ऑप्शन ए हो गया आंसर बहुत बढ़िया चलो भैया तो बहुत से बहुत आसान से क्वेश्चन है बस इनको जल्दी से प्रैक्टिस कर लो भैया आंसर बताते चलो और बढ़ते चलो आगे वेंट होम दिया हुआ है पूछा किसका है लाइक like का कोड पूछा है लाइक like का कोड पूछा है हमसे तो देखें भैया लाइक कहां कहां कॉमन है आप देखोगे तो एक जगह सिर्फ लाइक मिल रहा है यहां पे यहां मिल रहा है तीसरी लाइन में ठीक क्या होगा अब देखोगे तो लाइक एक ही जगह जब कॉमन है तो आई और यू मतलब एक कोड एक ही जगह होगा सिर्फ बाकी कहीं जगह नहीं होगा तो यहां पे डब्ल्यू आर एफ डब्ल्यू एस सी और एन यू आई लिखा है तो एक ही कोड होगा जो सिंगल यहां यूज किया गया होगा ठीक तो यहां पे डब्ल्यू आर एफ देखोगे तो वहां फर्स्ट लाइन में कॉमन है यहां पे है। फिर क्या है एन यू आई यहां कॉमन है मतलब बचा क्या डब्ल्यू एस सी क्या बचा हमारे पास डब्ल्यू एस सी लाइक का कोड हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा सर तुम भी खूब भारी सिखावता थैंक यू भैया चलो बहुत बढ़िया बस समझ में आना चाहिए आप सभी को सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए बी ऑप्शन क्लियर है ठीक बा भैया एक बार ये तो रह गया तो जल्दी से बता दो भैया ठीक बा मजा आ रहा है क्लियर है ठीक बा चलो भैया आगे बढ़ो अगला देखो क्या पूछा है जल्दी से बताओ यहां स्पेस का पूछा है किसका भैया स्पेस का पूछा है अब स्पेस देखोगे नंबर दिया हुआ नाइन फाइव का है तो एस्टीमेट टाइम दिया है फोर सिक्स एंड टाइम दिया हुआ है और सिक्स फाइव एस्टिमेट और स्पेस दिया दो जगह स्पेस दिया हुआ है यहां पे और यहां पे सेकेंड लाइन में कोड देखो क्या भैया कॉमन यहां पे फोर सिक्स नाइन है यहां सिक्स फाइव है तो एक ही कोड कॉमन है क्या सिक्स क्या हो गया ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया सिक्स चलिए बहुत बढ़िया भैया थैंक यू भैया सभी लोग का अगला क्वेश्चन देखो भैया अगला क्वेश्चन पूछा गया है राम का कोड क्या होगा किसका भैया राम का पूछा है अब राम देखो कहां है कॉमन तो पहली लाइन में राम दिखाई दे रहे हैं यहां पे ठीक यहां दिखाई दे रहे हैं राम और यहां पे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और कहीं देखोगे तो और कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं तो बाकी दो देखोगे इज और बॉय कहीं कॉमन है इज यहां है बॉय यहां है मतलब सिंगल बार वो कोड यूज किया गया होगा जो राम का होगा राम का जो कोड होगा हाँ भैया ऐसा क्वेश्चन आता है सब लोग पास हो जाएंगे लेकिन ये पूरे क्वेश्चन इसी के नहीं आएंगे एक क्वेश्चन आएगा ठीक है एक क्वेश्चन आएगा चलिए तो राम क्या है सिंगल कोड होगा यहाँ पे क्यू जेड और इनमें से देखो कहाँ कहाँ कॉमन है तो क्यू जेड यहाँ कॉमन है और देख लो बाकी चीजें डब्ल्यू एक्स ईडी ईडीसी यहां कॉमन है ठीक है तो ये दोनों कोड कॉमन हो गया बचा क्या डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू एस एक्स बचा, ठीक है ठीक है तो डब्ल्यू एस एक्स हो जाएगा डब्ल्यू एस एक्स ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा आंसर हो गया बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है किसी निश्चित गुड भाषा में दिया हुआ है पूछा किसका है आर का पूछा है भैया किसका पूछा है आर का पूछा है गलत नहीं होना चाहिए आर का देखो जल्दी से बताओ आर का देखोगे तो आर यहां है यहां है और कहीं है क्या आर आर कहीं नहीं दिया है तो यू और गुड कॉमन है क्या कहीं पे गुड तो कॉमन है और यू देखोगे तो पहली लाइन में ये भी है ठीक है तो so, सेवन निकल गया कोड यू के लिए छोड़ दो गुड के लिए क्या निकल जाएगा भैया सिक्स निकल गया सिक्स निकल गया बचा क्या फोर आर के लिए क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा ऑप्शन डी हां भैया फोर हो गया ऑप्शन डी बहुत बढ़िया कंटिन्यू चलो अब इसका भैया आंसर आप सभी लोग फिर से एक क्वेश्चन 28 का भी क्या है आपके लिए होमवर्क है भैया सभी लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट में करेंगे ठीक है चलो भैया टाइप फोर आ जाते हैं अब टाइप फोर आ गए और आंसर जरूर सभी लोग करेंगे जितने लोग लाइव हैं सभी लोग और जो भैया बाद में देखते हैं वो लोग भी कोशिश करें आंसर जरूर करें ठीक है चलिए अगला देखो क्या दिया हो भैया ये टाइप बहुत आसान है लेकिन यह क्या है गलती ज्यादा कर देते हैं सभी लोग तो ध्यान से समझना ध्यान से समझना यदि कूलर को भोजन कहा जाए क्या है कूलर को भोजन कहा जाए भोजन को गुलाब कहा जाए कहा जाता है गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है तो आदमी क्या खाएगा तो आदमी क्या खाएगा क्या, क्या, क्या कहा गया है, यहां पे भोजन को गुलाब कहा गया है मतलब ऑप्शन क्या हो गया बी सही होगा ऑप्शन क्या होगा भैया बी सही होगा इफ कूलर इज कॉल्ड फूड यहां पे क्या लगा है इज कॉल्ड लगा है ठीक है तो बाद वाला आंसर होगा मीन लगा होता क्या देखो भैया मीन लगा होता अगर तो पहले वाला आंसर होता ठीक है पहले वाला चलो अगला क्वेश्चन देखो यहां भी क्या है कहा जाता सही है यहां भी क्या है कहा जाता सही है तो यदि अब देखो इन क्वेश्चनों को करने के लिए पहले लास्ट लाइन पढ़ लो तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है अब पीने के लिए सेब नहीं शैम्पू को दूध और दूध को क्या कलम कहा जाता है कलम और कुछ नहीं दिया तो दूध क्या है पीने के लिए क्या यूज होता है भैया दूध और दूध को क्या कहा जा रहा है कलम कहा जा रहा है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हां भैया ऑप्शन डी बहुत बढ़िया क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन डी या अब देखो क्वेश्चन फिर से तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा खाने के लिए क्या है यदि किताब को कलम और कलम को गेहूं गेहूं आया गेहूं को कुर्सी कहा जाता है कुर्सी को कब कहा जाता है और कब को पुस्तक खाने के लिए हम गेहूं इस्तेमाल करते हैं और गेहूं को क्या कहा जा रहा है भैया कुर्सी कहा जा रहा है यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा चेयर बहुत बढ़िया ठीक है भैया तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे तो हमने बेहतरीन तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर सारे टाइप के क्वेश्चन कवर किए भैया तो ये बैच है आप लोगों के लिए लाइव बैच चल रहा है टेक्नीशियन के लिए चालक बैच और क्या है टेक्निकल टेक्नीशियन ग्रेड वन और थर्ड के लिए भैया लाइव बैच है जिसको भी बैच लेना है भैया आप आराम से देख सकते हो एम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहां पे ये किताब है भैया आप लोग के लिए कॉम्बो ऑफर मैथ और रीजनिंग की पीडीएफ भी देखो कहा मिलेगी तो भैया ये बैच है ये क्या है एमडी क्लासेस का एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो अब जब रजिस्टर करेंगे यहां पे पेड कोर्स के लिए आएगा पेड कोर्स यहां पे आपको सारे पेड कोर्स दिख जाएंगे जब ओपन करेंगे तो सभी जो आपको आपके लिए यूजफुल है वो बैच आप खरीद सकते हैं आराम से ठीक है और ये सारी चीजें पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट के टाइम पे आप ध्यान दो कूपन लगाना है तो कूपन के लिए आप पी टेन यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक भैया पी टेन यूज करेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा और पीडीएफ के लिए यहां पे एक बॉक्स बना हुआ है जो चीज आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी लेकिन आप जब एप्लीकेशन खोलेंगे ओपन करेंगे तो यहां पे लिखा होगा पीडीएफ के लिए ठीक है भैया पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है एम डी क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे ठीक है हाँ भैया ये क्लास रोज चलती है डेली ग्यारह बजे स्टार्ट हो जाती है ठीक तो ये पेड क्लास के लिए है और ये क्या है भैया पीडीएफ के लिए है दोनों चीजें आपको इकट्ठा मिल जाएंगी और कोड के लिए क्या है पी वी टेन आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा क्लियर है दोस्तों तो चलते हैं फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जय हिंद जय भारत चलो भैया